अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब सही सलामत है। आज आपके साथ मैं बनाना टॉफ़ी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। और ये बनाना टॉफ़ी बच्चे बहुत पसंद करते हैं। आप इसे बना के बच्चे को सर्व कर सकते हैं। ये खाने में ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी होते हैं और अंदर से थोड़ा सा चुई होते हैं, तो इसलिए बच्चे बहुत पसंद करते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। और उसके लिए मैंने यहाँ पे तकरीबन आधा कप मैदा लिया है। और अभी इस मैदे में मैं 3 टीस्पून यानी 3 टीस्पून कॉर्नफ्लावर डाल रही हूँ और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और इसमें मैं थोड़ा सा नमक डालूँगी क्योंकि इसमें थोड़ा सा नमक का टेस्ट आएंगे तो अच्छा लगता है। तो एक चुटकी नमक डालना है इसमें, बहुत ज़्यादा ना डालें। और इसे मिक्स करने के बाद अब पानी डाल के इसका एक बैटर तैयार करेंगे। तो बहुत ज़्यादा पतला ना करें, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे एक बैटर तैयार करना है। बहुत ज़्यादा पतला ना करें, थोड़ा सा गाढ़ा रखना है इस बैटर को। तो मिक्स करने के बाद बिल्कुल इसी तरह कंसिस्टेंसी होंगे। तभी मैं इसमें थोड़ा सा तेल डाल रही हूँ, ये कुकिंग ऑयल है, तो थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालें और इसे फिर से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो ये बैटर बिल्कुल तैयार है। उसके बाद मैंने यहाँ पे बनाना लिया है पका हुआ। तो इस बनाना को, इस केले को टुकड़ों में काट लेना है छिलने के बाद। और इसे थोड़ा सा 13 टुकड़ों में काट लेना है। बिल्कुल मैं जिस तरह काट रही हूँ बिल्कुल उसी तरह काटे। तो मैंने तकरीबन यहाँ पे 2 केले का टुकड़ों में काट लिया है। अभी इसमें मैं थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डस्ट कर रही हूँ क्योंकि हम इस केले को बटर में डुबो के फ्राई करेंगे। तो अगर ये कॉर्नफ्लावर थोड़ा सा डस्ट करेंगे तो बैटर केले में अच्छी तरह से चिपक जाएंगे। इसे थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डस्ट करना है इसी तरह। तो इसके लिए मैंने तेल गरम कर लिया है, मीडियम हीट गरम कर लिया है। और अभी जो केले के टुकड़े हैं बैटर में डुबो के तेल में फ्राई कर लेना है। तो एक साथ में ज़्यादा ना डालें, ऐसे मीडियम हीट पर ही फ्राई करें, हल्का सा ब्राउन होने तक। बहुत ज़्यादा ब्राउन ना करें, हल्का सा ब्राउन होने तक। ये क्रिस्पी हो जाएंगे क्योंकि इसमें कॉर्नफ्लावर डाले हैं हमने, तो थोड़ा सा बाहर से क्रिस्पी हो जाएंगे ये। तो मीडियम आंच पर इसी तरह हल्का सा ब्राउन होने तक फ्राई करें। तो ये हल्का सा ब्राउन हो गया है, अभी मैं तेल से निकाल रही हूँ। तो इसी तरह सारे केले को फ्राई कर लेना है। और केला फ्राई करने के बाद एक सॉसपेन पर हम कैरामेल तैयार करेंगे। इसके लिए आधा कप चीनी डाल रही हूँ और इसे लो हीट पर कैरामेल करना है जब तक ये चीनी गल ना जाए। तो अभी देख रहे हैं चीनी गल रहे हैं, तो लगातार इसे हिलाते रहें इसी तरह। तो इसे हल्का सा ब्राउन करना है। आप चाहे तो थोड़ा सा ज़्यादा ब्राउन कर सकते हैं, पर मैं हल्का सा ब्राउन कर रही हूँ इसको, इस कैरामेल को। तो ये कैरामेल अभी तैयार है। तो अभी यहाँ पे एक बोल पर मैंने ठंडा पानी लिया है, फ्रीज का ठंडा पानी। आप चाहे तो इसमें आइस क्यूब भी डाल सकते हैं। और जो मैंने केला का फ्राई किया था वो केला फ्राई अभी कैरामेल में डालना है एक एक करके, और फिर इसमें ठंडे पानी में इसमें डालना है ताकि ये बहुत जल्दी कैरामेल ठंडा हो जाए, जम जाए। इसीलिए ठंडा पानी में डालना है। इसे फ्रीज का पानी डालें और चाहे तो आप इसमें आइस क्यूब भी डाल सकते हैं, तो और जल्दी ठंडा हो जाएंगे। तो ऐसा करने से ऊपर से जो कैरामेल का लेयर है वो बहुत ही क्रिस्पी बन जाते हैं और अंदर का जो केला का पोर्शन है बहुत ही च्यूई होते हैं। तो इसी वजह से बच्चे बहुत पसंद करते हैं। तो ये ठंडा हो गया है और बाहर से कैरामेल सूख गया है।
और बहुत ही क्रिस्पी बन गए हैं बाहर से। तो इसी तरह सारे केले को इसी तरह कैरामल में डुबो के ठंडा करें और बच्चों को सर्व करें। तो ये केला टॉफ़ी यानी बनाना टॉफ़ी बिल्कुल तैयार है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आएंगे। फिर एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।